अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इस बार जो रमज़ान शरीफ इतने प्यारे से मौसम में आया है तो आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल भी इफ्तारी के बाद भी प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती, मतलब पानी ज़बरदस्ती पीती हूँ, इतना मतलब ज़रूरत नहीं होती पानी की, क्योंकि हम लोग तो होते भी घर पे हैं और फिर मौसम भी इतना प्यारा है। पिछले सालों में तो इस तरह होता था कि सिर्फ पानी पीकर इतना पेट फूल जाता था कि कुछ और खाने को फिर ज़रूरत ही नहीं होती थी, मतलब भूख भी नहीं लगती थी और बार बार पानी पीते रहते थे और मतलब तबीयत भी ख़राब हो जाती थी फिर। और जिस तरह से हम लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती थी, इसी तरह से सोनिया की तबीयत ख़राब हुई है। तो फिर जो कमेंट्स आए हैं आज उस पर बात करूँगी। आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, तो चलें जी अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, ये बहुत गलत बात है। वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो कम से कम लाइक कर दें, इसमें आपको क्या जा रहा है? और आप लोग सोचते होंगे कि शायद लाइक करने से इसे कुछ मिल जाएगा, इसे बहुत कोई बड़ा ख़जाना मिल जाएगा। लाइक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ नहीं मिलता है, बस ये है कि हौसला अफजाई होती है, ऐसे अच्छा लगता है कि भाई किसी ने हमारी वीडियो को लाइक किया, कोई हम भी फिर किसी को बताते हैं कि भाई हमारी भी वीडियोज़ को कोई लाइक करते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करें आप लोग, बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सादा कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग लाइक तो कर दिया करें। हर वीडियो में यही कहती हूँ कि मेरी वीडियो को बस आप लोग लाइक ज़रूर किया करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, तो अभी मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं नदीम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी 2-3 दिन पहले ही बताया था कि उनके 10K हो गए हैं और अभी जो हैं उनके माशाल्लाह से 11K भी हो चुके हैं, 11.1K इस टाइम तक उनके हो चुके हैं, और माशाल्लाह से बहुत तेज़ी के साथ उनका चैनल जो है वो ग्रो कर रहा है। और उनका जो चैनल ये ग्रो कर रहा है, इसमें मेरे ख्याल से उनकी कोई भी, क्योंकि आपको सबको पता है कि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बस वो वीडियो के अंदर मौजूद होते हैं, और उनकी वीडियो को माशाल्लाह से सब लोग इतना लाइक करते हैं और इतना उनको सपोर्ट आप सब लोग कर रहे हैं, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा खुशनसीब इंसान है और अल्लाह पाक उन्हें मज़ीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाए। और उनके अंदर जो एक कमी है कि वो बोल नहीं सकते, तो अल्लाह पाक से दुआ है मेरी इस पाक और बाबरकत महीने में कि ये रमज़ान शरीफ ख़त्म होने से पहले पहले ही वो बोलना शुरू कर दें। और वो खुशनसीब इसलिए भी हैं कि वाइफ को छोड़ के, वाइफ को निकाल के बाकी सारे उनके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ सिंसियर हैं, उनके साथ जो हैं वफादार हैं, क्योंकि नदीम भाई ने ख़ुद कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है इनकी जो खाला है उन्होंने किया है, इनकी अम्मी ने किया है, और वसीम भाई ने ज़्यादा इनका साथ दिया है, और शहजाद भाई ने भी इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और सिकंदर भाई ने भी इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो इन सब ने जो है ना मिलकर इनके चैनल को ग्रो किया है, और जब पूरी फैमिली और सब एक साथ मिलके काम करते हैं ना, तो फिर चैनल इस तरह ग्रो करते हैं जिस तरह से नदीम भाई के चैनल ने ग्रो किया है। और फिर सबकी मुखालफत करके अगर आप 10 चैनल भी बनाएंगे ना और 10 वीडियोज़ भी लगाएंगे यूट्यूब पर, आप तरक्की नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि इसके लिए लोगों का प्यार चाहिए होता है, लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। आप भले 10 चैनल बना लें टेक के नाम पे के अर्न एंड लर्न और फलाना और वो हैप्पी कपल और ये वो, जितने मर्ज़ी आप चैनल बना लें, आप तरक्की नहीं कर सकते। आपका तो जो पुराना चैनल है जो रनिंग में था वो डाउन हो गया है, आप क्या तरक्की करेंगे? किसी को देख कर आप जलने वाले लोग हैं, तो आप लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जिस तरह नदीम भाई ने तरक्की की है ना, और इसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि सब लोग नदीम भाई के साथ हैं। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं नदीम भाई को बेस्ट विशेस दे दूँ, क्योंकि उनके 11 के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्दी जल्दी उनके चैनल ने ग्रो किया है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद कामयाबियाँ और मज़ीद तरक्की अता फरमाए, और जो उनके दुश्मन हैं वो इसी तरह नाकाम और नामुराद हमेशा इसी तरह होते रहेंगे, उनके बारे में भी क्या ही बात करूँ। तो अभी मैंने बात करनी है सोनिया की। कल मैंने सोनिया की एक वीडियो देखी जिसमें उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी,
क्योंकि मेरे ख्याल से रोज़ा खोलने के बाद सबकी हो जाती है। आप सबको ही पता है कि सारा दिन हमारा रोज़ा होता है, हम कुछ भी नहीं खाते पीते, और जब एकदम से अचानक से हम खा लें अगर पकौड़े समोसे और फिर बहुत ज़्यादा पानी पी लें तो सबकी तबीयत फिर ऐसे ही हो जाती है। लेकिन मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हंसी आई जब इतने सारे कमेंट्स आए हुए थे कि शी इज़ प्रेगनेंट, इस तरह के बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हुए थे और कमेंट्स आए हुए थे, और लोगों ने जो है अपने अपने अंदाजे बताए हुए थे कि मतलब मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने शायद कमेंट्स देखे होंगे, हर किसी ने अपने 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 अंदाजे बताए हुए थे कि भाई ये बस प्रेगनेंट हो चुकी है। आप लोग ये देखें उनकी शादी को अभी दिन कितने हुए हैं, खुदा का खौफ करें अभी उनकी शादी को कितने दिन हुए और आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तकरीबन कोई 10 से 12 दिन ही हुए हैं उनकी शादी को अभी, तो आप लोग इस तरह की बातें ना करें। और दूसरी बात ये कि उन्हें भी इस तरह का थंबनेल भी नहीं लगाना चाहिए, और इस अगर तबीयत ख़राब हो भी गई है तो इस तरह वीडियो नहीं बनानी चाहिए। और अपनी ज़िंदगी को थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी बचा के रखें, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी को पर्सनल भी रहने दें। हर चीज़ आप लोग जिस तरह लोगों को दिखाते हैं और जो चीज़ आप मतलब जो अब इस तरह तबीयत ख़राब है और आप वीडियो बना रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है इस तरह के कमेंट्स तो आने ही थे, ये आपको भी पता है। क्योंकि हमारी जो आवाम है तो वो बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, इस वजह से हम लोग इतने ज़्यादा कामयाब भी हैं। मजाक कर रही हूँ, तो हमारी आवाम सच में बहुत ज़्यादा सोचती है, तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा पब्लिक फिगर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को महदूद करें, थोड़ा सा अपने व्लॉग्स को कम करें और अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ ही रहने दें। वरना तो क्या होगा, वरना तो कुछ भी नहीं होगा, लोग इसी तरह की ही बातें करेंगे। 2-4 दिन बाद अगर समोसे पकोड़े खाकर और बिरयानियाँ वगैरह खाकर सोनिया का वेट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर लोग इसी तरह की बातें करना शुरू हो जाएंगे। और रोज़ों में वैसे हम लोग भी मैं खुद भी ये चीज़ें बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना एहतियात भी करनी चाहिए अपनी, मतलब थोड़ा हाथ हल्का रखना चाहिए, वरना तो फिर तबीयत इसी तरह ख़राब हो जाती है और फिर अगले रोज़े में फिर बहुत ज़्यादा बंदा डाउन सा रहता है, क्योंकि पिछले दिन तबीयत इफ्तारी में ख़राब हुई होती है तो फिर अगला रोज़ा फिर बहुत बुरा गुजरता है। तो बस यही आज आप लोगों से बातें करनी थी और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले मैंने ये बोलना है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और अगर किया हुआ है तो फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।